हरिओम नमो नमः सुप्रभातम। तो करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, अभी बजे हैं 11 और हम लोग खाना खा के पी के जा रहे हैं बाज़ार। तो आज पैदल पैदल जाना पड़ रहा है गरुड़, क्योंकि स्कूटी आजकल यहाँ नहीं है हमारी। हमारी टमटम गई है हल्द्वानी, क्योंकि उसका थोड़ा इलाज करना है, थोड़ी उसकी तबीयत ढीली ढाली चल रही थी, तो उसको हमने हल्द्वानी भेजा है। तो पापा लेके चले गए हैं उसको। तो चलते हैं हम गरुड़, और हमने आज करनी है थोड़ा शॉपिंग, क्योंकि अब शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं। तो पता ही है आपको, हमारे परिवार में है शादी, दादा की बड़े भैया की शादी है, तो हल्द्वानी में है शादी वैसे तो, लेकिन तैयारी तो करनी ठहरी, अब हमने भी जाना ही हुआ वहाँ। तो भी मम्मी पहले जाएगी, क्योंकि मामा की लड़की की भी शादी है और दादा की भी शादी है। तो पहले मामा की लड़की की शादी है तो मम्मी वहाँ जाएगी, और उस टाइम पर मैं घर रहूँगी, फिर बाकी मैं दादा की शादी में जाऊँगी। दादा की शादी है बाद में। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, मम्मी को थोड़ा शॉपिंग करानी है, क्योंकि हल्द्वानी से करती है, अब हल्द्वानी में थोड़ा आइडिया भी नहीं ठहरा और वहाँ साथ भी नहीं हुआ कोई बाजार ले जाने वाले, तो यहीं से कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं हम आज। और आज हम पुराने वाले रास्ते से आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, रोड आने से पूरा रास्ता बंद हो गया है, बिल्कुल भूड़ी भूड़ हो रहा है यहाँ। तो ये देखिए कैसा हो रहा है रास्ता हमारे बजाने वाला। तो हम लोग के लिए यहाँ को शॉर्टकट हुआ, पैदल जाना है तो शॉर्टकट रास्ता है ये हमारा, तो हम यहीं से जाते हैं। और मैंने मम्मी से कहा रोड को चलते हैं, इतने कहा यहीं से चल, और यहाँ इतने भूड़ हो रहा है, देखिए ऐसे भूड़ में जाना पड़ रहा है और रास्ता बंद हो चुका है। तो चलते हैं बाजार की ओर थोड़ा, लड़िमा गजहर हमारे यहाँ का, और यहाँ से ऊपर रोड आई तो हम लोगों ने, वहाँ से रास्ता बंद हो चुका है हमारा शॉर्टकट, तो अब यहाँ से रोड में चढ़ गए हम। तो अब जाएंगे हम यहाँ से पैदल पैदल, हाँ बहुत दिनों के बाद पैदल आ रहे हैं, वरना अब गाड़ी होगी तो गाड़ी से ही जा रहे हैं हम, तो आज पैदल चलना पड़ रहा है। तो ये तड़मा गजहर, ये पूरा बंद हो गया था जिन दिनों बारिश आई थी, तो रोड बिल्कुल, रास्ता तो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, रोड नीचे गदेरे से जाना पड़ रहा था। अब यहाँ देखिए बिल्कुल सही कर दिया, क्योंकि लोगों के घास फूस लाने के लिए भी बढ़िया होता है यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं गरुड़ की ओर, और दिखाते हैं आपको आज हम क्या क्या शॉपिंग करके आने वाले हैं, देखते हैं, फिलहाल चलते हैं। तो देखिए यहाँ से उधर भनाईधार है, और यहाँ से हम नीचे शॉर्टकट मारेंगे और अपने पुराने वाले रास्ते में मिल जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ से हम नीचे सीधे पुराने वाले रास्ते में मिलेंगे यहाँ पर से, और वहाँ से आ चुके हैं हम इधर को। कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है यहाँ से अभी। तो चलिए फटाफट चलते हैं अब गरुड़ बाज़ार की ओर। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं हरे पुल से, इधर आ गए हैं और बंदर ही बंदर रास्ते में मिल रहे हैं, और अभी हम लाल पुल पर पहुँचने वाले हैं। तो मम्मी वैसे कभी नहीं आती है गरुड़, आज आ रही है मम्मी मजबूरी में। कैसा लग रहा है फिर तुमको मम्मी? बहुत गलत बहुत गंदा मम्मी को बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि पैदल भी आना पड़ रहा है और वैसे आती नहीं है, गाड़ी में भी नहीं आती है, पैदल भी नहीं आती है। तो चलते हैं फटाफट, आप सामान वामान लेके आते हैं। तो अब इस रास्ते में वैसे ज़्यादा लोग नहीं आते, तो देख सकते हैं आप कितना भीड़ भाड़ हो रहा है, क्योंकि लोग अब गाड़ी से ज़्यादा जाने लग गए हैं, यहाँ से बहुत कम लोग चलते हैं। और नदी देखिए, नदी का पानी कैसा हो रखा है, एकदम गंदा सा। चलिए फटाफट चलते हैं बाजार, और इतने मकान बन गए हैं यहाँ, बाकी उधर को भी दिखाएंगे जाते टाइम। तो हमने बाजार पहुँच के कर ली है सामान लेने की शुरुआत, तो यहाँ से हमने थोड़ा छोटा मोटा एक कुछ लेना है, उसको हम लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर को। तो चलिए मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर में, काफी भीड़ है बाजार में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर को वापस, और मम्मी की होगी है शॉपिंग थोड़ा बहुत, बाकी अब थोड़ा बहुत हल्द्वानी से करेगी। तो जो मेन मेन सामान था वो ले लिया है, तो अभी कल या परसों कभी भी जा सकती है मम्मी, तो इसलिए आज हम थोड़ा बाज़ार भी हुआ है, थोड़ा काम भी था और वैसे सामान भी, और बाज़ार में हुई थी काफ़ी ज़्यादा भीड़, क्योंकि शादी का टाइम है और बाज़ार में बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ख़तरनाक भीड़ हो रही है, तो इसलिए बाज़ार में वीडियो नहीं बनाया ज़्यादा। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट घर, और उसके बाद मिलते हैं आपको घर जाके। तो देखिए यहाँ पर बतख घूम रहे हैं दो नदी में, देखिए क्या मज़े से जा रहे हैं आवाज़ करते हुए।
तो ये पुल पर आए हम, पुल से दिख रहे हैं वहाँ वटक। तो अभी देखिए पैदल पैदल चल रहे हैं घर को, और नहर में पानी भी आया हुआ है आजकल। ये नहर हमारी सर्किट के खेतों तक जाती है, ये नहर का जो पानी है मतलब, क्योंकि ये बुरसौल वाली जांगी है, जो बुरसौल की वो वाला पानी है। और यहाँ देखिए चमाते हो रहे हैं, क्योंकि गेहूं नहीं बो सकते हैं लोग यहाँ बंदरों की वजह से। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम वापस आ रहे थे इधर को, यहाँ बंदरों ने आतंक मचाया था। और आप देख सकते हैं रास्ते में कितनी सुनसानी हो रही है। तो रोड की वजह से लोगों का यहाँ से गरुड़ को पैदल जाना बंद हो गया है, क्योंकि रोड आ रही है तो गाड़ी में ही जाते सब लोग। तो आप अकेले में देखिए भूड़ भाड़ ऐसा हो रहा है, ऐसी अकेले में डर ही लगता है कि कैसे जाया जाए घर को बाजार को, इसलिए गाड़ी से ही जाते हैं सब लोग, यहाँ से कम ही चलते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ मकान बन गए हैं रास्ते में, पुल से इधर को, और ये हमारा यहाँ का पैदल रास्ता है। यहाँ से हम चल रहे हैं घर की ओर, एक मकान यहाँ पे है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट घर को। तो यहाँ पर देखिए शेरे को सिंचाई के लिए यहाँ जांगी साफ कर रहे हैं, क्या ताकि पानी आ सके नीचे को। और हम लोग जाने लगे नहर को। अब देख सकते हैं पूरे रास्ते भर में कितनी सुनसानी है, बहुत कम हो गया लोगों का चलना, लेकिन जो जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं वही लोग पैदल जा रहे हैं। बाकी जिनके पास गाड़ियाँ हैं और वैसे भी लिफ्ट लेके लोग बाजार जा रहे हैं, आ रहे हैं गाड़ी से ही जा रहे हैं, आ रहे हैं मतलब, हम लोग भी गाड़ी से ही जाते हैं, आज हम पैदल आए हैं। बाकी मतलब पैदल चलने वालों की संख्या नाम मात्र हो गई है, बाकी स्कूल के जो बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे, बाकी स्कूल के लिए भी बसें लग गई हैं। और देख सकते हैं आप यह गधेरा ये कैसा आया हुआ है। तो आपको एक बार आई थी मैं एक दिन, उस दिन से आ जा रही पैदल, उस दिन दिखाया था मैंने आपको। तो अभी हम फिर से मंदिर के पास पहुँच गए हैं, तो चलते हैं फटाफट घर की ओर। तो ये हम पहुँच गए हैं महाकाई थान के यहाँ पर, जय हो मैया। ये है हमारा महाकाई थान, महाकाई मैया का मंदिर। ये नीचे वाला रास्ता और हम जा रहे हैं ऊपर को। तो ये रास्ता मतलब बंद ही हो गया अब, क्योंकि लोग हम रोड से ही जाते हैं। अभी हम वहाँ ऊपर से भी रोड से ही जाएंगे, रोड में ही चलेंगे। तो ये है पैदल वाला मार्ग। तो अभी हमको थकान हो गई है और हम बैठ गए यहाँ पर। देखो मम्मी भी थक गई, अपने यहाँ धार में बैठ गए हैं, जहाँ से हम शॉर्टकट गए थे नीचे बनाई धार को, यहाँ पर हम बैठ चुके हैं अभी, क्योंकि अब पैदल जाने की आदत ख़राब हो गई है, पैदल जाने की आदत छूट गई है बिल्कुल, तो इसलिए थकान ज़्यादा ही लग रही है। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। तो गरुड़ से आने के बाद हम लोगों ने फिर थोड़ा घास आस काटी, और अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। तो देख सकते हैं आप अंधेरा होने लग गया है, लाइटें जलने लगी है बाहर, ये देखिए तो बाहर लाइटें जल रही है। और मैं बैठ के काट रही हूँ सब्जी, तो मेरी सब्जी भी कट चुकी है, तो मम्मी कर रही है गाय बच्चों का काम। तो हमारी बन रही है आलू गोभी की सब्जी। तो आज का ब्लॉग रहा कुछ इस तरह का। तो गरुड़ से शॉपिंग वॉपिंग भी काफ़ी अच्छी अच्छी की, मम्मी के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, बाकी थोड़ा बहुत सामान मम्मी हल्द्वानी में ही लेगी, तो वहाँ कोई मिल जाएगा साथ में बाजार जाने वाला, तो बाकी वहीं से ले लेगी। तो चलिए इसके साथ इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं जल्दी आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलूंगे आपको और अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।